दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में एस सीरीज़ की अपनी 10th एनिवर्सरी कंप्लीट की है और उस पर 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं सीरीज़ के, जो है S10, S10e और S10 Plus। आज हमारे पास S10 Plus, जो कि 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ मौजूद है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर कि सैमसंग ने इस बॉक्स में क्या नया दिया हुआ है अपनी 10th एनिवर्सरी पे। और इसको बिना टाइम गवाए हम ओपन करते हैं और जल्दी से इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं और हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो कलर अवेलेबल है वो है प्रिज्म ब्लैक, जो कि सैमसंग ने लॉन्च किया है। और हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर। सैमसंग ने इस बार जो ये फ़ोन लॉन्च किए हैं, ये S10e और S10 और S10 Plus, इनमें जो है 5 कैमरे दिए हुए हैं। और इसको जो है S10 Plus में 2 कैमरे फ्रंट पे हैं और 3 कैमरे बैक साइड में दिए हुए हैं। और ये हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। अब इसकी सील को जो है ओपन करते हैं और दिखाते हैं ये बॉक्स में क्या है फ़ोन की हाइलाइट्स। और ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले फ़ोन है इसमें दिख रहा है हमारे साथ। और ये बॉक्स को इन्होंने कुछ चेंज किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखें इसकी चेंजिंग जो है, पहले जो था सबसे पहले फ़ोन हुआ करता था, उसके नीचे सारा सामान होता था, लेकिन फिर इस बार चेंजिंग कुछ की हुई है। और ये देखें हमारी जो सबसे जिसका हमें इंतज़ार था वो हमारे हाथ में है, S10 Plus। और इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं, 6.4 इंची का ये डिस्प्ले है। और बैक साइड से जो है आप देखें और फ्रंट से देखें कैसा लग रहा है, बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है इसे देखने में और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। इसको ऑन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं, इसको रखते हैं सबसे पहले हम साइड में और देखते हैं इसके बॉक्स में। जी, अब ये बॉक्स जो है इसका, इसमें सबसे पहले जो है चार्जर दिया हुआ है, मगर चार्जर से पहले इन्होंने जो है यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड और जो है वारंटी कार्ड और इसमें सिम को निकालने वाली जो पिन है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, देख सकते हैं वारंटी कार्ड वगैरह जो है। और इसमें ये केस भी इन्होंने दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन के लिए। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये हो गया क्विक स्टार्ट गाइड, ये उसकी पिन हो गई सिम ट्रे निकालने के लिए। और जो है चार्जर जो है इस बार इन्होंने फास्ट चार्जर दिया है, देख सकते हैं 15 वाट का ये चार्जर है। काफ़ी ये अच्छा क्या है, लेकिन फिर भी दूसरे जैसे फ़ोन जो हैं वो 18 वाट और 30 वाट तक देते हैं। अगर सैमसंग इम्प्रूव कर दे तो और अच्छी बात है। और ये इसकी केबल जो कि Type-C केबल है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब हर फ़ोन में Type-C, लेकिन ये तो फ़िलहाल काफ़ी महंगा फ़ोन है तो Type-C तो ज़रूरी है होना चाहिए इसमें। और जो है इसका ये हेडफोन जो है 1 kg का हेडफोन है, ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है ये, आप देख सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर एक चीज़ आप देखें और है जिसको हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इतनी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर सैमसंग जो है दे रहा है। और अब जो मेन चीज़ है हमारी वो है मोबाइल फ़ोन, अब हम उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। हमारा फ़ोन सेट हो गया है पूरा, ये फिंगर जो है इसको मैं स्क्रीन करता हूँ। जी देखें, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, बिना नोच का ये पूरा इन्होंने फुल स्क्रीन जो है इसकी डिस्प्ले में जो है दी हुई है। इसमें 2 कैमरे फ्रंट में हैं, 3 कैमरे जो हैं वो बैक में हैं, 10 मेगापिक्सल का फ्रंट में है और 8 मेगापिक्सल का। और फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में देखते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर इसका Android 9 है Pie, काफ़ी अच्छा वर्जन है ये, काफ़ी फास्ट है। और जो इसकी बैटरी है इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये 4100 mAh की बैटरी है, जैसा कि Note 9 में 4000 की दी थी और इसमें 100
एमएच और बढ़ा दिया है, एंड्रॉयड पाई देख सकते हैं आप। और देखते हैं इस फ़ोन के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। ये दो कैमरे देखें, होल जो इन्होंने दिया हुआ है नोच को हटा के, और ये हो गया इसका एक तरफ इन्होंने दिया है सिम लगाने के लिए ट्रे, और बिक्सबी का बटन है, और वॉल्यूम अप एंड डाउन, और ये हो गया 3mm जैक जो है हेडफोन जैक, और ये हमारा टाइप सी का चार्जिंग, और इधर से स्विच ऑन ऑफ करने का बटन देख सकते हैं आप। और देखते हैं इसके बैक साइड से भी इसको नज़र डालते हैं एक बार। ये बिल्कुल ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है।